ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। अगर आपको आपके किसी संबंधी या किसी अपने का पासपोर्ट बनवाना हो तो आप क्या करेंगे? पहले आप इसके लिए आवेदन करेंगे, उसके बाद जो तय प्रोसेस है उसे फॉलो करेंगे। अमूमन हर व्यक्ति यही करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। गाजियाबाद के राजा बाबू शाह ने अपनी बीवी का पासपोर्ट क्लियर करवाने के लिए पुलिस की साइट ही हैक कर डाली। पेशे से सिविल इंजीनियर 27 वर्षीय शाह को अब मुंबई की साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस ने बताया कि बाबू शाह ने साइट हैक करने के साथ ही उसमें मौजूद 3 आवेदकों की इंक्वायरी रिपोर्ट भी क्लियर कर दी। इस मामले की और जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी की बीवी नौकरी के लिए विदेश जाना चाहती थी और आरोपी पति अपनी पत्नी को इम्प्रेस करना चाहता था। साइबर पुलिस ने आगे बताया कि किसी को शक न हो इसलिए बाबू शाह ने साइट में मौजूद 2 और इंक्वायरी को भी क्लियर कर दिया। पुलिस ने बताया कि शाह की पत्नी ने पासपोर्ट के लिए जो दस्तावेज जमा किए उनमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन FIR के बाद बाबू शाह की पत्नी का पासपोर्ट रोक दिया गया। आरोपी इस समय जुडिशियल कस्टडी में है। इससे पहले पिछले साल एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। अज्ञात व्यक्ति पर आरोप था कि उसने सुरक्षा, चोरी की पहचान, IPC की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत धोखे से कंप्यूटर संसाधनों का प्रयोग किया है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि आरोपी ने पुलिस पूछताछ के लिए रखे गए 3 पासपोर्ट को भी क्लियर कर दिया है। यह 3 पासपोर्ट मुंबई के एंटॉप हिल, चेंबूर और तिलक नगर से थे। पुलिस ने आगे बताया कि जांच में यह पता चला कि आरोपी ने IP एड्रेस का प्रयोग किया था। इसके बाद यह जांच दक्षिण क्षेत्र साइबर पुलिस स्टेशन को सौंप दी गई। DCP बाल सिंह राजपूत और ACP रामचंद्र लोतिलिकर की टीम ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले राजा बाबू शाह को गिरफ्तार कर लिया। शाह UP में ही एक किराए के मकान में रहता था और उसकी पत्नी मुंबई में रहकर काम करती है। शाह ने पासपोर्ट के लिए पहले आवेदन किया और बाद में गैर कानूनी तरीके से सिस्टम को हैक कर अपनी पत्नी सहित 3 इंक्वायरी क्लियर कर दी। हालांकि पुलिस ने यह बताने से इनकार कर दिया कि शाह को पुलिस की साइट का एक्सेस कैसे मिला। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।